एस पॉटरी प्रशिक्षण का समापन कार्यक्रम टेराकोटा पॉटरी क्लस्टर पतोवापुरा शाहपुर में 1 जनवरी 2021 से चल रहे प्रेस पॉटरी प्रशिक्षण का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण में तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात और उड़ीसा से आए कारीगरों ने प्रेस पॉटरी के हुनर सीखे। समापन के इस अवसर श्री एस एम नसीर जी ने बताया कि माटी कला में सुधार और विकास के लिए समय समय पर प्रशिक्षण आवश्यक है, साथ ही मिट्टी के बर्तनों का बाजार बढ़ाने के लिए कारीगरों को नियमित नई नई डिजाइन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कर्नाटक राज्य से आए कारीगर श्री शुभम कुम्भार ने बताया कि पहली बार अलग अलग विधियों से मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को देखा और सीखा और कारीगर भगवान बिसोई ने संस्था और विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह सीखी हुई कला को अपने स्थानीय स्तर पर बढ़ाओगा। देखिए आज की आवाज न्यूज के साथ शाहपुर बैतूल से नवील वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सैयद मोहम्मद नसीर, रिटायर्ड असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये लोग अपने अपने राज्यों में हाथ से काम करते हैं, चाक से काम करते हैं और यहाँ इन्हें ये प्रेस पॉटरी मशीन के ज़रिए कैसे प्रोडक्शन किया जाएगा उसकी ट्रेनिंग दी गई है। तो इससे मशीन से जब इनको काम आ गया है तो उससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा यह है कि बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन कर सकते हैं और काम करने में इनके ज़्यादा मिट्टी हाथ में नहीं लगेगी, मिट्टी का घोलना नहीं पड़ेगा, ये सब मशीन करती है। बस इनकी जो ट्रेनिंग दी गई है उसी ट्रेनिंग के द्वारा मशीन के माध्यम से ये प्रोडक्शन करेंगे। इससे इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सुधरेगी और ये लोग जाके अपने अपने राज्यों में इस काम को और सिखाएंगे ताकि इसका विधत रूप में लोग लाभ उठा सकें। मेरा नाम जितेंद्र प्रजापति है और मैं यहाँ पे खासतौर पे यहाँ का जो समुदाय है, प्रजापति समुदाय, उनके साथ में काम करता हूँ और हमारा और जो हमारे समुदाय का और हमारा ये मकसद है कि यहाँ की जो स्थानीय कला है, मिट्टी पे अलग अलग विधियों से उत्पाद बनाने की जो प्रक्रिया है उसको हम कैसे देश के कोने कोने तक फैला पाएँ, उसी के लिए हम लोग ये प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं। खासतौर पे ये जो खादीग्राम उद्योग द्वारा ये जो प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, इसमें प्रेस पॉटरी का जो प्रशिक्षण है उसमें हम कारीगरों को जो अलग अलग स्टेट से आए हैं उनको दक्ष कर रहे हैं। इसमें अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद जो प्रेस मशीन से बनते हैं उनको बताना, मशीन को असेंबल करना और इनको इनकी मार्केटिंग कैसे आगे बढ़े इसके बारे में हम लोग उनको सिखा रहे हैं। मेरा नाम है शुभम मदन कुम्भार, मैं कर्नाटक राज्य से आया हूँ। यहाँ खादी ग्रामोद्योग अंतर्गत जो प्रशिक्षण मिल रहा है प्रेस पॉटरी का और इसके लिए कोर्स के लिए आया हूँ। यहाँ पर हमें जैसे जो दिए वगैरह है उसका प्रेस पॉटरी का काम जो है वो सिखाया गया है पूरा। हमें जैसे मिट्टी से पूरा दिया कैसे बनाते हैं, पूरा मतलब तैयार दिया कैसे बनता है, ये सब प्रक्रिया हमें यहाँ से सिखाई गई है, वो हम सब कुछ सीख गए हैं। तो आगे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? जी आगे यहाँ पहले तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ प्रशिक्षण नहीं था, जो नया नया अपडेट आया है इधर जो भारत सरकार के अंतर्गत, वो जब हम सीख गए हैं वो आगे जाके हम गाँव में भी हमारे उसका उपयोग करेंगे और बाकी लोगों को भी हमारे समाज के जो है या फिर और कोई भी सीखना चाहते हैं उन्हें सिखाएंगे। मेरा नाम स्वर्णलता बिसोई है, हम लोग उड़ीसा पुरी जिला उड़ीसा जो जगन्नाथ धाम है वहाँ से आए हैं। यहाँ आकर हम जो प्रेस पटोरी मशीन है उससे दिया, चाय के ग्लास और भी जितने भी कटोरे और भी मिट्टी के जो भिन्न सारे जो डिजाइन है वो सब हम काम सीख लिया। वो सीखने के बाद हमको बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम इस प्रशिक्षण में आगे जाकर हमारा आर्थिक परिस्थिति सुधर लेंगे और भी जितने भी लोग हैं वहाँ के हमारे उड़ीसा में जितने भी कारीगर हैं उनको भी हम ये सिखाएंगे और भी यहाँ ट्रेनिंग लेने के बाद हमको अच्छा लगा। ये ट्रेनिंग देने वाले भी बहुत अच्छे हैं, वो अच्छी तरह से हमको ट्रेनिंग सिखाते हैं, जो भी तक हमारे मन में क्वेश्चन है वो भी सब सुलझाते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ ट्रेनिंग लेने के। इससे आपको और आगे क्या फ़ायदा है? हमारे इस ट्रेनिंग लेने से इतना फ़ायदा है कि हम जो ट्रेनिंग लिया है आप दूसरे लोगों को सिखा सकें और उसी लोग को लेकर हमको जो काम मिलेगा तो हमारी परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं और उसकी भी आर्थिक स्थिति बदल सकते हैं।